भाइयों, आज मैं आपको भाई से मिलवाने वाला हूँ जो ट्रांसजेंडर कैटेगरी में खेलते हैं। और भाई ने 2010 में अपना जेंडर चेंज किया था, पहले फीमेल थे, अभी मेल में कन्वर्ट हुए हैं। तो भाई भी खेलेगा। तो भाई अपने बारे में, आर्यन पाशा, ओके, पहले भी नाम तो चेंज नहीं किया होगा ना? नहीं, पहले मेरा नाम नायला था। ओके, नायला सारे। ओके ओके ओके। तो आप बॉडी बिल्डिंग कब से कर रहे हो? ऐसे कब शुरू किया? बॉडी बिल्डिंग करता हूँ 10 साल हो गए। 10 ईयर हो गए, बट कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग के लिए भी 5 ईयर हो गए। मुझे जेंडर चेंज करना है, मतलब आप तो लड़के जैसी फीलिंग होती थी कि मैं लड़का होना चाहिए था। जैसे लोग, आप जब बच्चे होते तो आपको पता था आप क्या हो क्या नहीं। एक्चुअली आप बुरा मत मानना, मैं मुझे पता नहीं है इसलिए मैं पूछ रहा हूं। मैं बुरा नहीं मान रहा हूं, मैं जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि जैसे हम लोग जो ट्रांस होते हैं, हमारे अंदर ऑलरेडी, या मतलब जब से पैदा हुआ, जो हमारी चॉइसेस होती है, जो बिहेवियर होता है, जो सोशियो नॉर्मेटिव हम नॉर्म्स जो चुनते हैं, वो सब पहले से वो अपोजिट सेक्स के होते हैं। ओके, ठीक है। तो एक डिफरेंस होता है सेक्स और जेंडर में। ओके, सेक्स होता है कि जो आप जेनिटल्स के साथ पैदा हो, जेंडर होता है कि आप दिमाग में क्या सोचते हो। अच्छा, मतलब ये एक डिफरेंस है। वैसे लड़के थे लेकिन आपकी सोच लड़के वाली, लड़कों वाली, कि मैं लड़का होता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ सेक्स और जेंडर का, क्योंकि इंडिया में स्कूल में सेक्स एजुकेशन के बारे में बात नहीं करते, जेंडर के बारे में बात नहीं करते। बहुत बाइनरी है उसमें कि मेल के ये रोल्स है, फीमेल के ये रोल्स है। बट अगर हम इसे कॉन्स्टिट्यूशन में, जहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि सेक्स एंड जेंडर, सो इसका मतलब ये दो अलग चीज़ है। सो ठीक है, लोगों को नई नॉलेज देती है, बट ये दो अलग चीज़ होती है। तो मेरा जो शुरू से जेंडर था वो एक लड़के का था, और इसीलिए मैं ऐसे ही था। मेरे को मतलब कुछ मैं प्रिटेंड नहीं कर रहा था, जो भी रहा। तो मतलब हमको जो ये रहते हैं हमारे मेल हार्मोन्स, आपके मेल हार्मोन्स थे? नहीं, हार्मोनल कोई इशू नहीं होता, ये जस्ट आपका साइकोलॉजी के भी आप अपने आप को कुछ अलग फील करते हो। आपको ऐसा लगता है कि आप जिस शरीर में पैदा हो, गलत शरीर में पैदा हो, ट्रैप्ड हो, उसमें फंसे हो। मैं पूछना चाह रहा हूँ, आपने चेंज क्या करवाया? मतलब आपको लड़की के जैसा था सब कुछ, फिर आपने चेंज करा के? दो सर्जरीज होती है, मेस्टेक्टोमी होती है, जिसमें ब्रेस्ट रिमूव कर देते हैं। अच्छा, आपको पहले ब्रेस्ट थी? हाँ, मतलब बॉडी पूरी फीमेल वाली थी, बट जो थिंकिंग थी, जो सोच रहे, क्योंकि आप अपने दिमाग को नहीं बदल सकते। मैं अपने शरीर को ठीक कर सकता हूँ, दिमाग को खोल के। तो सर्जरी में आपको पहले ब्रेस्ट थी और नीचे भी सब लड़की के जैसे का है, फिर आपने ब्रेस्ट को भी चेंज किया? ब्रेस्ट रिमूवल सर्जरी होती है, उसको मिस्टेक्टमी बोलते हैं। ओके, और जो फीमेल इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, यूट्रस, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब्स, आपको सब था? मिस्टेक्टमी बोलते हैं। हाँ, आपको सब था? वो भी चेंज किया? बॉटम सर्जरी नहीं, वो रिमूव करते हैं, रिमूव कर देते हैं। ओके, जैसे ब्रेस्ट ग्लैंड्स रिमूव। अच्छा, उनको रिमूव कर लेते हैं, बाकी कुछ मेल मेल के जैसा, मेल के जो जैसे सस्टेनॉन है, वो एवरी 21 डेज लोगों को 250 mg लेना होता है, वो लाइफ लॉन्ग रहेगा। बॉडी हमेशा लेना ही पड़ेगा, बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस नहीं करेगी, बट 250 mg एक मिनिमल डोसेज है जो सिर्फ एक मेल रेंज को, टेस्टोस्टेरोन लेवल को मैच करती है। कोई आप ओवरडोज नहीं कर रहे हो, ना आप अंडरडोज हो, ऐसा कर रहे हो, सिर्फ एक बैलेंस्ड हार्मोनल, क्योंकि बॉडी को एक हार्मोन की जरूरत है। फीमेल है तो उन्हें एस्ट्रोजन चाहिए, बोन हेल्थ सपोर्ट कर रहा है, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ हो गया, स्टेटनेस आएगी, लेथार्जिक फील होगा। तो आपको हमेशा लेना पड़ता है डेली? डेली नहीं, 21 डेज में, हर मतलब 21 दिन में मेरे को एक इंजेक्शन लगाना है। एक्चुअली आप मुझे इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी, वही तो बहुत लोगों को नहीं पता है, तो इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, मुझे तो अच्छा लगता है कि अगर मैं किसी को सेंसिटाइज कर रहा हूँ, एजुकेट कर रहा हूँ इस चीज़ के ऊपर, भी क्या पता आपकी ये वीडियो देख के बिल्कुल कोई ऐसा जरूरतमंद हो जो फॉलो कर रहा हूँ, सही बात है, वो सुबह एकदम से कनेक्ट कर पाएगा, तो हमें बात करनी बहुत जरूरी है। तो मतलब जो इंटरनेट जो लड़कियों की होती है उनको रिमूव करते हैं, लेकिन अलग से फिर फीमेल का वो सब नहीं लगवाते ना? मेल का, मेल का, सॉरी, नहीं, बॉटम सर्जरी भी होती है। ओके ओके, तो आपने वो सब नहीं कराया? नहीं, बॉटम कराई है, सब कुछ बॉटम कराई है। तो अब तो आप एक मेल ही समझो। हाँ, मैं आपको मेल ही समझता हूँ अभी तो, मेल ही हो ना। तो अच्छा लगा भाई आपसे बात करके। थैंक यू। जैसे कि आपने जेंडर चेंज करा दिया, तो आप अभी शादी कर सकते हो?
हाँ, अभी जैसे हमें 2014 में लालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट आई थी, जहाँ जिसके पिटिशनर मतलब जैनब पटेल है, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी है, तो उस टाइम पे हमें राइट मिला था एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया 2014 में, ये 15 अप्रैल को आई थी। अभी लास्ट मंथ ही फिर से सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी, वो बेसिकली थी तो होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए कि वो लोग शादी कर सकते हैं नहीं कर सकते, बट एनीहाउ उन लोगों को अभी नहीं मिला है और वो एक फाइट स्टिल कंटिन्यू ऑन गोइंग है। बट उसमें ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि कोई भी अगर ट्रांस मैन है वो किसी भी ट्रांस वुमेन से या किसी भी बायोलॉजिकल लड़की से शादी कर सकता है। वैसे ही कोई भी अगर ट्रांस वुमेन है जो अपने आपको ट्रांस वुमेन आइडेंटिफाई करती है वो किसी भी ट्रांस मैन से या बायोलॉजिकल मेल जो होते हैं उनसे शादी करते हैं। ओके, लीगल राइट। आप जैसे कि अभी शादी करोगे तो नॉर्मल कोई लड़की से कर सकते हैं या फिर जो फीमेल जो मेल टू नहीं नहीं फीमेल जो बायोलॉजिकल से नॉर्मल मतलब एक नॉर्मल वर्ड्स में ओके हम लोग भी नॉर्मल है, बट कोई भी लड़की जो भी अपने आप को लड़की आइडेंटिफाई करते हैं या तो दोस्तों ब्रेकफास्ट कर रहे थे, आर्यन पासा भाई भी यहाँ पर आए जिन्होंने अपना जेंडर चेंज कराया, तो इनकी सारी बातें जो हमको नहीं पता था और शायद आप लोगों को भी नहीं पता होगा, बहुत कम लोग हैं जिनको पता है, तो इस वीडियो में देखना भाई ने अपने बारे में कैसे कैसे किया वो सब बताया।